हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर क्लासेस जीपीबी 211 फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और हमारा अब शेड्यूल चल रहा है प्रैक्टिकल क्लासेस का, जिसमें हम एक्सरसाइज एक पहली करवा चुके हैं, जिसमें हम बता चुके हैं आप सभी स्टूडेंट्स को कि प्लांट ब्रीडर किट्स के बारे में, कि उसके कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, प्लांट ब्रीडर किट्स में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनके क्या क्या यूजेज होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, कि स्टडी ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। आपका जो ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज नंबर 2 का, वो है स्टडी ऑफ जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो स्टडी ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हम एग्जांपल ले रहे हैं राइस का और वीट का। वैसे तो बहुत सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जानना है कि क्या क्या फ्लावर पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हम दो एग्जांपल ले ले रहे हैं राइस का और वीट का, क्योंकि ये वेल नोन क्रॉप है। हर स्टूडेंट और हर व्यक्ति, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सभी ने लगभग देखे होंगे राइस और वीट के प्लांट और उनका फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिर राइस, पहला राइस सभी आप लोग जानते हैं, सभी जितने स्टूडेंट हैं सब जानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो क्रॉप है ये ग्रो होती है अपने भारत में। वीट है, राइस है, ये मेन मेजर क्रॉप्स हैं हमारी, सीरियल्स क्रॉप है, जो मेजर सीरियल क्रॉप है, मक्का है। और सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सी, सबसे ज़्यादा ईटिंग के लिए कौन सी, वीट या मेज सबसे ज़्यादा यूज होती है। और राइस का एक स्टेपल फूड है ऑफ द वर्ल्ड, राइस इज ए स्टेपल फूड ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे स्टेपल फूड है वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा यूज होता है। और राइस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ओराइजा सटाइवा। तो हम बात करते हैं फ्लोरेट के बारे में, फ्लावर के बारे में, राइस के जो फ्लावर हैं उसके बारे में बात करते हैं। द रैचिस, जो रैचिस इसकी होती है राइस की, रैचिला, द रैचिला। तो आप लोगों को बारे में, आप लोगों को रैचिला के बारे में पता है या नहीं, तो इसीलिए मैं बताता हूँ रैचिला क्या होता क्या है। आपने सभी ने देखा होगा कि राइस की पेनिकल ऐसे जुड़ी हुई होती है, ये वूट लीफ होती है, इसके निकलने के बाद ये पेडंकल होता है, पेडंकल के बाद ये जो है फिर ऐसे, ये पूरा क्या होता है, एक रैचिस होता है, जिस पे क्या होता है छोटे छोटे, इसे देखा होगा आपने ऐसे राइस में लगे रहते हैं ऐसे, और इन्हीं पे क्या होता है ग्रेन, जो हमारा स्पाइक होती है, एक स्पाइकलेट्स जो होती हैं वो ऐसे लगी रहती हैं इस पे। तो ये मेन वाला हो गया रैचिस, और ये क्या हो गई जो सेकेंडरी है, ये इसको हम बोलते हैं रैचिला, ये रैचिला होती है। स्टेराइल लेमा एंड द रिबिनेटरी ग्लूम्स आर सपोर्ट द फ्लोरेट्स, जो एक ये फ्लोरेट्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेट बोलते हैं। और वीट में उसको बोलते हैं स्पाइक, स्पाइकलेट। तो रिबिनेटरी ग्लूम्स कौन से होते हैं वो हम आपको आगे वाले अगली स्लाइड में बताएंगे, थोड़ा सा इस स्लाइड में भी आपको बता दे रहे हैं कि ग्लूम्स क्या होता है। स्टेराइल लेमा एंड द रिमिडेंट्री ग्लूम्स, देख रहा आपने देखा होगा कि जो इसका फ्लोरेट होता है राइस का वो ऐसे होता है दो में बंद, और यहाँ पे ये ऐसे बने रहते हैं दो। तो वैसे जनरली फ्लावर्स में हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स। जैसे ये हमारा कोई फ्लावर है, ये
तो इस पे आपने देखा होगा ग्रीन कलर के नीचे ऐसे लगे रहते हैं ऐसे, और इससे कि ये फ्लावर अटैच होता है। और फिर ये होगा ऐसे, ये पार्ट होगा इसके, तो ये क्या होते हैं कैलेक्स, ये करोला। तो ये कैलेक्स करोला जो है राइस में अलग तरीके से होता है, ये लगा होता है ना यहाँ पे, तो ये होते हैं हमारे रूमिनेंट्री ग्लूम्स, इनको हम रूमिनेंट्री ग्लूम्स कहते हैं, सपोर्ट द फ्लोरेट। और ये सभी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं फ्लोरेट को लगे रहने, किससे, रैचिला से, जैसा कि हमने आपको बताया था रैचिला से लगे रहने में सपोर्ट करते हैं। एंड द फ्लोरेट इंक्लूड द लेमा पैलिया एंड द फ्लावर, और जो फ्लोरेट्स होता है वो इंक्लूड, मतलब वो किस क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है फ्लोरेट में, उस फ्लोरेट में इंक्लूड होते हैं लेमा पैलिया और फ्लावर। ये पूरा फ्लोरेट जब कंप्लीट होता है, जब उसमें लेमा पैलिया और उसका फ्लावर होता है उसके अंदर बंद होता है, तो जो बड़ा पार्ट होता है इसका ये लेमा होता है, और जो स्मॉल पार्ट होता है ये पैलिया होता है। लार्ज पार्ट होता है लेमा और स्मॉल पार्ट होता है पैलिया, और इसके ही अंदर सब कुछ रहता है इसमें बंद, उसमें पूरा फ्लावर होता है। फिर द लार्जर प्रोटेक्टिव ग्लूम कवरिंग द फ्लोरेट इज कॉल्ड लेमा एंड द स्मॉलर वन इज रिफर टू एज पैलिया। जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो लार्ज प्रोटेक्टिव ग्लूम होता है, जो बड़ा वाला ग्लूम होता है वो फ्लोरेट ग्लूमिंग ग्लूम कवरिंग द फ्लोरेट इज कॉल्ड द लेमा, जो फ्लोरेट को कवर करता है लार्ज बड़ा वाला, बड़ा जो होता है, क्योंकि जो आपको हमने बताया था तो ऐसे कवर होते हैं, एक बड़ा होता है एक इसके अंदर अटैच होता है दोनों को, तो दोनों से जब अटैच होता है तो एक जो बड़ा लार्ज वाला होता है वो लेमा होता है और स्मॉल वाला पैलिया होता है। एंड बोथ द लेमा एंड पीलिया हैव रिज रेफर टू एज नर्व्स, और उन पे क्या होती है रिज, मतलब छोटी छोटी लकीर होती है, रिफर टू एज नर्व्स मतलब जो हमारी जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जैसे हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, ऐसे ही उसमें भी ऊपर होता है, जो लेमा और पेलिया होती हैं उन पे भी तंत्रिकाएं होती हैं, तो उन जो लकीरें छोटी छोटी दिखाई देती हैं हल्की सी, उनको हम क्या कहते हैं तंत्रिका नर्व्स कहते हैं। और द लेमा हैज फाइव वाइल द पेलिया हैव थ्री, हैज़ थ्री, तो लेमा पे कितनी होती हैं फाइव नर्व्स होती हैं, और जो पेलिया पे होती हैं वो कितनी होती है थ्री नर्व्स होती हैं। एंड द मिडिल नर्व ऑफ द लेमा कैन बी आइदर स्मूथ और हैरी, और जो लेमा पे मिडिल होती है नर्व, जो मिडिल नर्व होती है लेमा पे वो फेदरी भी हैरी भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती है, उस पर हेयर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है वैरायटी पर, वो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग अपने कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा हमारा कि कौन सी वैरायटी है, अगर वैरायटी हेयरी वाली है तो उस पर हेयर होंगे और स्मूथ है तो स्मूथ होगी। और द लेमा हैज़ द कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर एट इट्स एंड कॉल्ड द कील, और जो लेमा होती है जो कंस्ट्रक्टेड जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है दोनों जब कवर्ड होती हैं उसके बाद जो बनता है स्ट्रक्चर बनता है, जैसे ये बड़ी वाली क्या होती है लेमा और स्मॉल वाली होती है जो कवर होता है पूरा, तो स्मॉल होती है वो पैलिया होती है, ये बड़ी वाली लेमा होती है, तो उसके बाद जब दोनों का स्ट्रक्चर बनता है कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्शन बनना, तो यहाँ पे बनता है और यहाँ पे इस पार्ट को हम क्या कहते हैं कील कहते हैं। एंड इन सम वैराइटीज़, और कुछ वैराइटी होती है उसमें कील का इलांगेशन हो जाता है, और उसमें इलांगेशन होने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं आइंस में, कुछ में क्या होता है सिर्फ कील ही रहता है और कुछ में ये इलांगेशन हो जाता है और उसके बाद ये आइन हो जाता आइन बन जाता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी आइन, कुछ वैरायटी आइनलेस होती हैं कुछ वैरायटी होती हैं इनमें आइंस होते हैं। तो जनरली जो राइस की वैरायटी हैं अधिकतर उनमें क्या है वो सभी आइनलेस होती हैं, लेकिन वीट में क्या होता है जितनी भी वैरायटी होती हैं उनमें लगभग सभी में आइंस होते हैं। तो इसको हमने अभी आपको समझा रहा था कि ये फ्लोरेट, तो एक ये जो दाना जो राइस का होता है जो कवर्ड होता है वो किससे कवर्ड होता है लेमा और पीलिया से, और इस उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या है एक पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लोरेट, और फ्लोरेट कंसिस्ट ऑफ लेमा पेलिया एंड ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लोरेट के अंदर ही सभी फ्लावर के पार्ट होते हैं। देखो ये जो बड़ा पार्ट होता है ये कवर, इसको हम क्या कहते हैं लेमा और पेलिया,
और जो हम बात कर रहे थे कि उस पर रिज होते हैं, तो एक देखो ये हो गया रिज, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और इसके दूसरी साइड भी दो होंगे। तो लेमा में कितनी रिज होती हैं, लाइंस लकीर कितनी होती हैं, पाँच। और पहलिया जो होती है उसमें एक होती है और उसके बाद एक ये होती है, तो ये रखती हैं तीन। पहलिया में तीन होती हैं, इसमें पाँच होती हैं, और वो कैसी होती है, हेरी भी होती और स्मूथ भी होती हैं। और इसी रैचिस जो रिज होती हैं, लाइंस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। इसी को हम तंत्रिका कहते हैं। और बताया था जैसे पहले कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ वैरायटी में क्या होती है, केवल कील होती है, और कुछ वैरायटी में जब ये इलांगेशन हो जाता है कील का, जो स्ट्रक्चर बनता है उसके बाद ये इलांगेट कर जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, आयन, या हिंदी में बोले तो हम कहते हैं इसको तूड़ कहते हैं, आयन कहते हैं। फिर फ्लावर, राइस का फ्लावर की बात आती है, तो द फ्लोरेट कंटेन ए फ्लावर, जैसे पहले ही बता चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि जो फ्लोरेट होता है उसी के अंदर क्या होता है, फ्लावर होता है। द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ए पिस्टल फीमेल ऑर्गन एंड सिक्स स्टेमन मेल ऑर्गन, क्योंकि राइस क्या है, ये बाइसेक्सुअल है, इसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में इंक्लूड होते हैं। वो दोनों पार्ट क्या होते हैं, एक में ही होते हैं। जो पिस्टिल होता है उसको हम कहते हैं फीमेल ऑर्गन, और जो स्टेमन होता है उसको मेल ऑर्गन, मतलब नरभाग और मादाभाग। फिर आता है फ्लोरल बायोलॉजी, हम इसके बारे में जानते हैं क्या क्या इसमें होता है। तो टर्मिनल पेनिकल विच वियर परफेक्ट फ्लावर, जो पेनिकल होती है उसमें क्या होता है, परफेक्ट फ्लावर होता है। परफेक्ट फ्लावर हम किसको कहते हैं, जिसमें सारे भाग एक ही फ्लावर में, मेल और फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट जब एक ही फ्लावर हो उसको हम पर क्या कहते हैं, परफेक्ट, मतलब संपूर्ण। सिसाइल बाइसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, ये कैसा होता है, सिसाइल होता है और बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों पार्ट होते हैं। तो सिसाइल क्या होता है, कुछ फ्लावर होते हैं जो उनमें ये पार्ट जो लगा रहता है, लेकिन कुछ फ्लावर क्या होते हैं, वो डायरेक्टली जुड़े होते हैं इससे, तो ये क्या होते हैं, सिसाइल फ्लावर होते हैं। तो राइस का फ्लावर जो होता है वो सिसाइल ही होता है, और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों पार्ट उसमें उपलब्ध हो, और सेल्फ पॉलिनेटेड, ये कैसा है, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्योंकि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं। और ये फ्लावर कब खुलता है, आफ्टर पॉलिनेशन के या आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये फ्लावर खुलता है, उससे पहले नहीं खुलता, इसलिए बहुत ही कम चांस रहते हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। और फ्लावर हैविंग सिक्स स्टैमन्स, और इसमें फ्लावर में सिक्स स्टैमन्स होते हैं, इसमें कितने एंथर होते हैं, छः एंथर होते हैं, एंथर स्टैमन्स, ये क्या होता है, मेल पार्ट होता है इसका, मेल पार्ट होता है इसका। और फ्लावर सराउंडेड बाय लेमा एंड पीलिया, जैसे प्रीवियस स्लाइड में बता चुके कि ये फ्लावर जो होता है किससे घिरा हुआ होता है, लेमा और पेलिया से घिरा हुआ होता है। और गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ कार्पेल वन सुपीरियर ओवरी, जो गाइनोसियम होता है वो उसमें कार्पेल वन में, उसमें कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। और मोस्ट ऑफ द फ्लावर ब्लूम बिटवीन 2 to 4 days, जब पैनिकल जब स्टार्ट होती है इमरजेंस, मतलब पैनिकल निकलने का जब स्टार्ट हो जाता है, जब बूट लीफ होती है उसमें से जब पैनिकल निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद 2 to 4 days में क्या होता है, फ्लावर जो फ्लावरिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड ब्लूमिंग ऑफ द स्पाइकलेट स्टार्ट फ्रॉम पैनिकल अपेक्स एंड प्रोसीड डाउनवर्ड, और जो ब्लूमिंग होती है, फ्लावरिंग मतलब होती है, वो स्टार्ट होती है कहाँ से, अपेक्स, पैनिकल अपेक्स मीन्स ऊपर से, क्योंकि जब पैनिकल इमरजेंस होता है, जब बूट लीफ होती है, जो बूट लीफ होती है, तो पैनिकल का सबसे पहले कौन सा भाग निकलता है, ऊपर का भाग। तो ऐसे ही ये क्या होता है, सबसे ऊपर जो जितने भी फ्लोरेट्स होंगे वो पहले ओपन होंगे, और उसके बाद ये ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आता है खिलता हुआ, फ्लावर जो ओपन होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ओपन होते हुए आते हैं। और पॉलन सेड एट द टाइम ऑफ फ्लावर ओपनिंग, और पॉलन सेड कब होता है, मतलब पॉलन कब जड़ता है, जो परागकण होते हैं वो कब जड़ते हैं, जब
फ्लावर ओपन होता है, उस समय पॉलन सेडिंग होने लगती है। एंड स्टिग्मा रिमेन्स रिसेप्टिव फॉर 4 to 5 days। और जो स्टिग्मा होती है, जो इसका फीमेल पार्ट होता है, वो रिसेप्टिव कब रहती है, उसमें अच्छा फर्टिलाइजेशन कब होता है, वो किसके बीच होता है, 4 to 5 days के बीच, जब फ्लावर ओपन होता है उससे 4 to 5 days के भीतर ही उसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा हमारी होती है, जो फीमेल पार्ट होता है वो रिसेप्टिव रहता है, उस समय उस पर पॉलन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है पॉलन प्रिजर्वेशन पॉसिबल फॉर 24 आवर्स। अगर हमें पॉलन प्रिजर्व करना है तो उसके लिए उसकी अवधि कितनी होती है, 24 घंटे के लिए, और कितने 54 डिग्री फारेनहाइट पर, और उसके लिए ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 95% ह्यूमिडिटी हो तो राइस का पॉलन हम वेवल, मतलब उसको कामयाब कर सकते हैं 24 घंटे के बाद भी, 24 घंटे तक उसको रख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट विद इन 3 आवर्स आफ्टर पॉलिनेशन। और जो इसका राइस का पॉलिनेशन, अगर जब हम पॉलिनेशन करा देते हैं उसमें, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 3 घंटे के अंदर ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा फ्लावर है राइस का, और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से, ये इसका पेडिकल हो गया, और ये क्या हो गया, इसका स्ट्राइल लेमा। इसमें जो लेमा और पीलिया जो होते हैं ये बड़े होते हैं, इसके नीचे होते हैं क्या होते हैं, स्ट्राइल लेमा, और ये फिर होते हैं लॉडिक्यूल्स। लॉडिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके अंदर ही ये होते हैं लॉडिक्यूल्स। और जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं उसमें कैलिक्स नीचे होते हैं, पहले नॉर्मली जो अलग फ्लावर्स होते हैं तो उनमें पहले क्या होता है, कैलिक्स होते हैं ना ऐसे, उसके बाद जो जैसे सरसों का फ्लावर अगर ले लो तो जैसे ये करोला हो गया, और इसके नीचे जिस पे ये फ्लावर अटैच रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स और करोला। तो इसमें राइस में क्या होते हैं, ये करोला क्या होते हैं, अंदर होते हैं, इसके अंदर ही। फिर पैलिया, ये लेमा हो गया, और ये एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, जिससे द वह भाग जिससे कि एंथर अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये एंथर हो गया, ये इसका क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया, स्टैमन आर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और एंथर किससे जो बंद रहता है, दो जो इसके जो पार्ट होते हैं, ये और ये क्या होते हैं, ये एंथर लोब इनको बोलते हैं, जो इसको कवर करता है, इसके अंदर ही क्या होते हैं, इसको जब हम क्रश कर देते हैं तो, या ये जब ब्रश्ड होता है तो इससे निकलते हैं क्या, पॉलन, यानी कि परागकण इसके अंदर ही बंद होते हैं। जब ये सेट, मतलब जब ये पक जाता है और उसके बाद ब्रश्ड होता है तब इससे पॉलन झड़ता है, तभी ये फर्टिलाइजेशन करता है। और ये फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो इसमें फीमेल पार्ट हो गया, ये हो गया फीमेल पार्ट, और ये 6 स्टैमन ये क्या हो गए, मेल पार्ट। इसीलिए ये कैसी क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। ये स्टिग्मा हो गई, और ये स्टाइल हो गया, और ये ओवरी। ये देखो 3 एंथर इधर हैं, ये 3 एंथर इधर हैं। जब हम फर्टिलाइजेशन जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो सब क्या करते हैं, जो एंथर होते हैं उनको निकाल देते हैं, किसके द्वारा, या तो हम फॉर्सेप यूज कर सकते हैं या निडल यूज कर सकते हैं। फ्लावर को कट करेंगे पहले 1/3 पार्ट, सीजर द्वारा, कैंची द्वारा हम इसको काट देते हैं, उसके बाद इसके जो एंथर होते हैं उनको निकाल देते हैं, और वो कब निकालते हैं, जब ये ब्रश्ड ना होने पाए उससे पहले हम उनको निकाल देते हैं, और उसके बाद जो हमारा डिजायरेबल पेरेंट है उसका पॉलन लाके इस पर सेडिंग करा देते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है इसमें, तो वो हाइब्रिडाइजेशन का काम करता है। और बाकी ये जितने भी पार्ट हैं वो पिछली स्लाइड में हम बता ही चुके हैं आपको, जैसे पैलिया हो गया, लेमा हो गया, और ये एम्प्टी ग्लूम, और ये रूडिमेंट्री ग्लूम, ये सब बता ही चुके हैं पिछले स्लाइड में आपको। ये और नज़दीक से आपको दिखा दें, ये पिस्टल होता है,
क्रिस्टल क्या होता है? फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट होता है। इसके पार्ट हम आपको बता ही चुके हैं सभी, ओवरी और स्टिग्मा वगैरह, और ये ओव्यूल है, स्टिग्मा, स्टाइल। क्रिस्टल कंटेन वन ओव्यूल एंड वियर डबल प्लूम स्टिग्मा एंड शॉर्ट स्टाइल। ये एंथर और फिलामेंट, इसमें और थोड़ा सा नज़दीकी अलग दिखाई, जब फ्लावर ओपन होता है उसके बाद इस तरह से ये क्या होते हैं, एंथर बाहर आ जाते हैं कब, और उसमें ब्रस्ट हो जाते हैं एंथर, उसके बाद ये बाहर निकल जाते हैं एंथर। और ये मेल पार्ट है। द स्टेमन हैव टू सेल एंथर वर्न ऑन द सिलेंडर फिलामेंट। और ये कैसा सिलेंडर लाइक होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, एंथर लोब बोलते हैं। लॉडिक्यूल्स हो गया ये। फिर आती है हमारी नेक्स्ट क्रॉप वीट। तो वीट भी क्या है, हमारे बहुत ही स्टेपल फूड है। तो वीट क्रॉप जो है मेन क्रॉप है हमारे इंडिया की, या इंडिया क्या, या पूरे वर्ल्ड की मेन क्रॉप है वीट। और वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। और इसके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 42 क्रोमोसोम नंबर। तो इसकी हम फ्लोरल बायोलॉजी जान लेते हैं सबसे पहले। द इनफ्लोरसेंस ऑफ वीट इज ए स्पाइक वेयरिंग टू अपोजिट रो। और जो इनफ्लोरसेंस होता है वीट का, उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइकलेट कहते हैं, और वेयरिंग टू अपोजिट रोज, उसमें दो रो होती हैं, दोनों अपोजिट होती हैं, किधर एक इधर, और बीच में क्या रहता है, रैचिस रहता है उसका। ऑफ लेटरल स्पाइकलेट एंड सिंगल टर्मिनल स्पाइकलेट ऑन द प्राइमरी एक्सिस एंड द यूनिट ऑफ स्पाइक इज कॉल्ड स्पाइकलेट। और जो यूनिट होती है सभी स्पाइक को बना मिलाकर क्या बनता है, पूरा स्पाइकलेट बनता है। एंड 2 to 5 फ्लोरेट्स आर वर्न इन ईच स्पाइकलेट। और ईच स्पाइकलेट में क्या होते हैं, 2 से 5 फ्लोरेट्स होते हैं एंड सबटेंडेड वाई ए पेयर ऑफ ग्लूम्स। और वो जुड़े रहते हैं किसके किसके द्वारा, ग्लूम्स के द्वारा। एंड ईच फ्लोरेट कंटेन्स 3 एंथर एंड द पिस्टल बियरिंग 2 स्टाइल ईच विद फेदरी स्टिग्मा। और ईच फ्लोरेट कंटेन्स 3 एंथर, ईच फ्लोरेट में 3 एंथर होते हैं एंड पिस्टल बियरिंग, और जो फीमेल पार्ट होता है, पिस्टल क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, 2 स्टाइल ईच है विद फेदरी स्टिग्मा, और इसमें स्टिग्मा होती है वो फेदरी होती है। एंड 2 ओवेट लॉडिक्यूल्स, और 2 ओवेट लॉडिक्यूल्स होते हैं विच आर मॉडिफाइड पेरिएंथ स्ट्रक्चर। एंड फ्लोरेट्स 8 एंथेसिस आर फोर्स्ड ओपन बाय स्वेलिंग फॉर द लॉडिक्यूल्स। और फ्लोरेट ओपन कब होता है, जब एंथेसिस होती है, मतलब एंथेसिस हम बता चुके हैं आपको, एंथेसिस क्या होती है, जब फ्लावर की ओपनिंग होती है, द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। आर फोर्स्ड ओपन बाय स्वेलिंग, और वो कब होती है, जब जो हमारे लॉडिक्यूल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आती है, उसके बाद फ्लावर जो फ्लोरेट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद फ्लावरिंग स्टार्ट सेवरल डेज आफ्टर द वीट। और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है सेवरल डेज आफ्टर वीट। स्पाइक इमरजेंस, जब स्पाइक निकलती है, स्पाइक निकलने की शुरुआत होती है, तो क्या होता है, सेवरल डेज आफ्टर द वीट स्पाइक इमरजेंस। और जब स्पाइक लेट इमरजेंस स्टार्ट होता है, उसके कुछ समय बाद, मतलब कुछ दिन बाद ही जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और फ्लोरेट्स ऑन द मेन किलम फ्लावर फर्स्ट एट दोज ऑन द टिलर्स फ्लावरिंग लेटर। और जो फ्लोरेट्स होती है वो मेन किलम फ्लावर फर्स्ट एंड दोज ऑन द लिट टिलर्स फ्लावरिंग लेटर। और जो पहले टिलर्स होते हैं उन पे पहले आती है, और जो लास्ट में जो टिलर होते हैं उन पे बाद में फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग बिगिंस इन द अर्ली मॉर्निंग एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द डे। और जो फ्लावरिंग होती है वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होती है, पूरे दिन होती रहती है। फिर 2 to 3 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर स्पाइक टू फिनिश द ब्लूमिंग। और पूरी जितनी स्पाइक होती हैं उसमें सभी में फ्लावरिंग होने के लिए 2 से 3 दिन का समय चाहिए होता है, उसमें पूरी फ्लावरिंग हो जाती है। ये वीट ग्रेन इज कैरियोप्सिस। और वीट का ग्रेन कैसा होता है, वो कैरियोप्सिस होता है। और उसमें कंसिस्टेंट
जर्म और एम्ब्रियो एंड एन इंडोस्पर्म। और वीट के जो सीड होता है उसमें जर्म और एम्ब्रियो होते हैं और इंडोस्पर्म होते हैं। तो ये फ्लोरल बायोलॉजी है, डीप टिप ऑफ स्पाइकलेट फ्लोरेट्स और फ्लोरेट्स थ्री। और ये फ्लावर है एक, इसमें देखो पैलिया, लेमा, रैचिला, ये सब हम आपको बता चुके हैं। और ये जिग जैक फॉर्म में होती है, राइस की जो रैचिस होती है वो किस में होती है, वो जिग जैक फॉर्म में होती है, वीट की है ये। तो वीट की जो होती है वो रैचिस किस में होती है, जिग जैक फॉर्म में होती है। और द इनफ्लोरसेंस ऑफ वीट इज कॉल्ड ईयर टू ईयर आर हेड एंड द बोटेनिकल टर्म्स इज कॉल्ड एज स्पाइक। इसको हम पूरी को स्पाइक कहते हैं, या और इसकी जो एक होती है पूरी, इसमें चार से पाँच या छः क्या होते हैं फ्लोरेट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पाइकलेट कहते हैं। एंड द यूनिट इज कॉल्ड स्पाइकलेट, और उसकी यूनिट को हम कहते हैं स्पाइकलेट। एंड ईच फ्लोरेट कंसिस्ट ऑफ लेमा, पैलिया, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और ईच फ्लोरेट में होते हैं लेमा, पैलिया, एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं। एंड फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। और फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। एंड ईच फ्लोरेट हैज़ थ्री स्टेमन, और ईच फ्लोरेट्स में क्या होते हैं, तीन स्टेमन होते हैं, लार्ज एंथर एंड द पिस्टल बियरिंग राइफाइड फेदरी स्टिग्मा। और इसमें तीन एंथर होते हैं पिस्टल बियरिंग, और जो पिस्टल होती है जो फीमेल पार्ट होता है उसमें क्या होती है, फेदरी स्टिग्मा होती है। एंड वीट स्टेमन्स आर स्मॉल एंड प्रोड्यूस अबाउट 1000 टू 4000 पॉलन ग्रेन्स पर एंथर। और जो वीट का एंथर होता है, एक एंथर में 1000 से 4000 तक पॉलन ग्रेन्स, पॉलन्स जो होते हैं वो होते हैं 1000 से 4000 तक एक एंथर में। तो ये इस वीट का फ्लावर है, उसके पार्ट हैं। तो ये क्या हो गया, लेमा ये है, और ये जो पार्ट है इसका, ये पैलिया है, और स्टिग्मा स्टाइल ये हो गया, स्टिग्मा स्टाइल, और ये ओवरी का है ये, और ये लाडिक्यूल्स है, ये पैलिया का हो गया, फिर स्ट्राइल लेमा, ये पेडिसिल हो गया। और ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, कार्पेल। और एंथर और फिलामेंट ये क्या होता है, स्टेमन, मेल पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट होता है ये। तो जो इसके राइस के जो एंथर होते हैं वो एक फ्लावर में तीन होते हैं, वो वीट के। फिर आता है रैचिस, रैचिस इसकी होती है कैसी, हमने बताया था ना आपको, जिग जैक फॉर्म में होती है इसकी रैचिस। ये पूरी एक ईयर है, स्पाइकलेट्स, तो आज के लेक्चर में हमने राइस और वीट के बारे में जाना कि उसका फ्लावर स्ट्रक्चर क्या है और उसकी क्या क्या उसके पार्ट है फ्लावर के। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, थैंक यू।